सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन एंड एज यू नो वी आर डिस्कसिंग द लैंग्वेज वर्क बेसड क्वेश्चन ऑफ द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाई नोही मैडिला एंड हियर इंग दिस वीडियो वी हैव टू डि इट इस क्वेश्चन सेवन एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस दिस टेक्स्ट रिपीटिडली कंट्रास्ट विद द पास्ट विद द प्रेजेंट और द फ्यूचर इस टेक्स्ट में इस लेसन में बहुत बार जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हाल माजी और मुस्तबिल इनको एक वो कंट्रास्ट किया गया है इनका एक तकबली जायजा लिया गया है वी कैन यूज़ कॉर्डिनेट क्लास टू कंट्रास्ट टू

का, इस कंपैरिजन uh, का एंड कंप्लीट ईच आइटम ताकि ये जो सेंटेंस हैं ये पूरा कंप्लीट हो जाए आइडेंटिफाई वर्ड्स विच सिग्नल द कंट्रास्ट और ऐसे वर्ड्स हमको ढूंढने हैं जो इस कंट्रास्ट को uh, दर्शाते हैं इसको दिखाते हैं इस कंपेरिजन को दिस हैज़ बीन डन फॉर यू इन द फर्स्ट आइटम जैसे कि पहले आइटम में यहाँ पर दिया गया है तो जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर डिगेट्स द यूनियन बिल्डिंग दीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ तो यहाँ पे एक दो डिकेड्स का इस्तेमाल करके फॉर डिकेड्स बरसा बरस तक जो ये यूनियन बिल्डिंग्स थी जहाँ पे अभी नेल्सन मंडला बैठा था तो पहले ये जो वहाँ पे जो सफ़ेद फम लोगों की हुकूमत थी तो उनकी जो सुपरमेसी थी या उनकी जो हुकूमत थी या उनका जो रूल था उसकी ये सीट थी उसका ये मरकज़ था उसका ये गढ़ था एंड नो लेकिन अब अब नो से ये जो कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो कोई और बात आ, कहने वाला है तो यहाँ पे डिकेड्स और नव से ये जो कंपैरिजन है इस चीज़ को दिखाया गया है जो इन दो सेंटेंसेस को आपस में कॉन्जॉइन करते हैं इनको कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ से दो जो दूसरी बात होगी वो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ होगी जो यहाँ पर की गई है तो वैसे ही यह, जैसे इसके बाद यहाँ पे हैं ऑल दी मोमेंट्स बिफोर द हाइस्ट जनरल ऑफ़ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस पुलिसमी एंड लॉयल्टी वुड नॉट so तो यहाँ तक जो मैंडला कह रहा है कि, आ, थोड़ी देर पहले जो ये साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े जनरल थे, थे और अपनी वफादारी का इजहार कर रहे थे लेकिन नॉट सो मैनीयर्सोर दे वुड नॉट है कुछ साल पहले अगर ये मुझे देखते तो ये मेरा सैल्यूट नहीं करते बट अरेस्टेड मी बल्कि मुझे अरेस्ट करते तो यहां पर जो बट है इस बात की गई है वो बिल्कुल इस चीज के

अगरच अभी इस दिन पे जो भी लोग हैं उनको जो ये कौमी तराना नया बनाया गया है फ्रेम किया गया है उसकी जो लिरिक्स हैं उसके जो सुर हैं वो याद नहीं हैं लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय द हार्ट लेकिन जल्दी ही वो जो इसके वर्ड्स हैं जो इसके अल्फाज हैं इनको दिल से याद रखेंगे जो इसकी लिरिक्स हैं इस नेशनल एंथम के जो इनका कौमी तराना है तो वैसे ही माई कंट्री इज़ रिच इन मिनर जिम इज़ दैट लाइक बी नीट इट सॉयल तो मेरी कंट्री जो है वो बड़ी ही रिच हैं क्योंकि इसकी जो धरती है इसके नीचे जो मिनरल्स हैं या जिम्स हैं कीमती पत्थर हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं वो है लेकिन बट इसके बाद जब या मैंडला यहाँ से जो दूसरी बात कहेगा यहाँ तक वो एक बात कह रहा था तो ये बट जो है ये जो कोऑर्डिनेटेड क्लासेज जो हैं इनको ज्वाइन इनक, ये करता है आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट इज़ पीपल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंडस लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो इसके सबसे uh, कीमती चीज़ हैं वो इसके लोग हैं जो फाइनर हैं जो बड़े ही प्योर हैं ट्रोअर हैं दैन द दे प्योरेस्ट जो डायमंड्स हैं उनसे भी खास उनसे भी कीमती और उनसे भी ये प्योर हैं जो इसके लोग हैं तो वैसे ही यहाँ पे जो है द आयर शो वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रसीशन एंड मिलिट्री फोर्स यहाँ तक जो मैंडला एक बात कह रहा है कि जो एयर शो था वो खाली एक पिन पॉइंट ये प्रसिशन या मिलिट्री फोर्स जो उनका एक वो जो उनका डिसिप्लिन होता है या जो उनका वो एक प्रसीशन होता है तो वो चीज़ खाली यहाँ पे नहीं दिखाई गई बट इसके बाद जो दूसरी बात कहेंगे जो बिल्कुल आ, कुछ और बात होगी बट डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिल्ट्री लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी लेकिन इसमें इस चीज़ को भी डेमानस्ट्रेट किया गया दिखाया गया कि जो मिल्ट्री हैं वो डेमोक्रेसी के लॉयल रहेगी जमहूरीत की वफ़ादार रहेगी तो ए न्यू गवर्नमेंट एक नई गवर्नमेंट की दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड एक ऐसी गवर्नमेंट की वफ़ादार रहेगी जिसको बड़ी आज़ादी से और बड़े ही जायज़ तरीके से एलेक्ट किया गया डेमोक्रेटिकली de एलेक्ट किया गया तो यहाँ से वो बिल्कुल एक दूसरा क्लास शुरू होता है लेकिन ये जो बट हैं ये इन दो को कोऑर्डिनेट करता है कोऑर्डिनेटेड या कंजाइन करता है तो इसके बाद जो है इट वाज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ अ पीपल दैट ट्रांसफार्मर्ड दैस टू अ बोल्ड वन दैट रू टू रोट ए क्रिमिनल दैट टर्न इन टू अ मैन विदाउट ए होम तो मैंडेला यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहे हैं इट वाज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल ये एक ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं अपने लोगों को आज़ादी दिलवा सकूँ दैट ट्रांसफार्मर्ड एड मैन टू अन बोल्ड वन जिसने एक बड़े ही एक फ्राइटनड एक बुजदिल नौजवान को एक बहदुर बना दिया दैट ड्रो ए लॉ अबाइड जो ये जो दैट है यहाँ पे ये इसको कॉन्जॉइन करता है इन दो बातों को यहाँ पे भी जैसे दैट है तो दैट ड्रो ए लॉ अबिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल दैट टर्न तो फैमिली लविंग अ मैन विदाउट अ होम जिसने एक लॉ अबॉय अटॉर्नी एक कानून की जो पासदारी करने वाले बंदे को एक वकील को एक क्रिमिनल बना दिया और एक फैमिली लविंग मैन को एक फैमिली मैन को एक ऐसा बंदा बना दिया जिसका कोई घर नहीं था एक जो रेबल या एक जो बागी बना दिया तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे यहाँ पे दैट हैं दैट हैं यहाँ पे बट हैं यहाँ पे बट हैं और इस तरह से यहाँ पे ऑल दो हैं तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन क्लास को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो और इससे पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का एक तरह का कंट्रास्ट किया जाता है एक तकाबली जायजा या एक कंपैरिजन है जो यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमें समझाना चाहता है इसके बाद यहाँ पे जो राइटिंग वर्क में आपको किसी का ये कैरेक्टर स्केच लिखना है मार्टिन लूथर किंग का नेल्सन मैंडेला का एम के गांधी का या फैदल कास्त्रो का तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर स्केच्स लिखे गए हैं वो इस तरह से हैं अगर यहाँ पे देखेंगे तो नेल्सन मैंडला का एक कैरेक्टर स्केच लिखा गया है तो वो इस तरह से हैं नेल्सन मैंडला वाज बोर्न ऑन जुलाई 18 1918 इन ट्रांस का एविलेज नियर उमाटा साउथ अफ्रीका नैल सेमेंट्रा की जो बर्थ हुई है वो जुलाई एटीन नाइनटीन एटी को हुई है ट्रांस का एक जगह है ये उमटाटा एक जगह है साउथ अफ्रीका में वहाँ पे उसकी बर्थ हुई है उन्नीस सौ अठारह में एंड ही इज द रियल हु स्ट्रगल फॉर अफ्रीका फ्री फ्राम वाइट्स वो सच में एक क्रुसीडर uh, था एक मिशनरी uh, था जिसने अफ्रीका के जो लोग थे वहाँ के जो सिया फाम लोग थे ब्लैक पीपल थे उनको जो सफ़ेद फाम लोगों की अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया ही इज़ ए फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ़ साउथ अफ्रीका एंड वाज एंटी अपॉर्थड एक्टिवस्ट हुट टी सेफ्रीकन कोर्ट्स कन विक्ट चार्ज ऑफ सबोर्टेज एंड फॉर अदर क्राइम हिम तो वो एक एंटी अपारथड जो वहाँ पर एक नस्ल परस्ती का निज़ाम था उसके खिलाफ वो एक एक्टिविस्ट था और उसने तकरीबा ई साल जेल में बिताए साउथ अफ्रीकन कोर्ट्स की वजह से उसको कन्विक्ट किया गया मुजरम ठहराया गया ऑन जॉर्ज ऑफ सबोटेज के आपने सबोटेज किया है आपने अमन की खिलाफ वर्जी की है अमन को खराब किए हैं एंड फॉर अदर क्राइम्स क्राइम हिम और इस पर जो दूसरे जो क्राइम्स थे जो जुर्म थे उनका भी इल्ज़ाम लगाया गया इन साउथ अफ्रीका ही इज़ पॉपुलरली नोन एज मदीबा साउथ अफ्रीका में इसको खासकर मदीबे का मदीबा का जो लक़ब है उसी नाम से जाना जाता है जो अफ्रीका के लोग हैं ही हैज़ रिसीव्ड मोर देन हंड्रेड अवार्ड्स ओवर फोर्टी इयर्स एंड इज़ ऑल्सो द रेसिपियंट ऑफ नोबल प्रीज प्राइज उसने तकरीबन अपनी उम्र में तकरीबन एक सौ अवॉर्ड जीते हैं और उसको जो अमन का जो नोबल प्राइज़ दिया जाता है वो भी उसको दिया गया नाइनटीन नाइनटी थ्री में उन्नीस सौ तिरानवे में द मेन गोल ऑफ इज लाइफ वॉज द साउथ अफ्रीका फ्राम द्लाइचिस ऑफ अपॉर्थड उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद था एम था वो ये था कि साउथ अफ्रीका को इस नस्ल परस्ती के निजाम से आज़ाद किया जा सके हीज़नल टू ह्यूमन डिग्निटी मैं इस चीज़ को बड़ा ही अहम समझता है कि जो आज़ादी है वो इंसान की इज्जत या हरमत के लिए बहुत ही एक अहमियत की हामिल है इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता इसकी पर्सनल्टी अधूरी है ही कॉल अपॉर्थड एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी डिज़ाटर एंड फ्रीडम एज ए ग्लोरियस अचीवमेंट वो यहाँ पे इस जो आज़ादी को एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट के तौर पर देखता है और इस गुलामी को एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर एक तबाही जो इंसानों की तबाही या बर्बादी का काबाइस बनती हैं तो इस सूरत में वो इसको देखता है ही थिंक दैट पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ दे कैन लर्न टू हेट इफ पीपल मस्ट लर्न टू लव इफ दे कैन लर्न टू हेट एंड पीपल कैन बी टॉट टू लव बिकॉज लव कम्स फ्राम मोर टू ह्यूमन बींग ह्यूमन हॉट दैन इट इज़ अपोज़िट तो मैंडला यहाँ पे कह रहा है कि पीपल मस्ट लर्न टू लव लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए जो यूनिवर्सल लव है जैसे उनको जो नफ़रत करनी सिखाई जाती है एंड दे कैन बी टॉट लव बिकॉज लव टू ह्यूमन हार्ट दैन इट इज़ अपोज़िट और इंसान जल्दी ही जो प्रेम है इसकी भाषा समझ सकता है जो एक उखुवत है एक ह्यूमन नेचर में है और ये चीज़ इंसान इसलिए ज़्यादा जल्दी सीख सकता है कि इंसान की फ़ितरत में ही जो प्रेम हैं या लव हैं टुवर्ड्स अदर फेलो ह्यूमन बीइंग्स तो मैंडेला इस चीज़ पे भरोसा करते हैं ये इसका अकीदा है इस सैक्रीफाइस इस सैक्रीफाइस ओन डिजायर्स एंड एम्बिशन टू एलिमिनेट हिज़ पीपल सॉरोज एंड सफरिंगज उसने अपनी ख्वाब अपनी ख्वाहिशें और अपने जो इसके एम्बिशन उनको कुर्बान कर दिया अपने लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनको देख कर उनको इससे आज़ाद करने के लिए ऑल दो ही एंड पीपल सफ़र लॉर्ड बाई द वाइट ही डज नॉट पेयर इगेन्स्ट दैम विच कलेरली इंडिकेट्स दैट हीज इक्वली सिंसियर जॉनरस एंड लविंग फॉर ऑल अगरच उसके जो अफ्रीका के जो सिया लोग थे ब्लैक जो थे वहाँ के कलर्ड पीपल नैगरोज उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो बर्दाश्त की इन वाइट्स के हाथों तो, इन सफ़ेद फाम लोगों के हाथों तो, इन अंग्रेजों के हाथों तो. लेकिन इसके बावजूद भी मैंडला का इनके लिए अपने दिल में कोई नफरत कोई कुदूरत या कोई हसद बुगज़ ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिससे हमें ये समझ आता है कि वो बिल्कुल ही सिंसियर था वफादार जनरस था सकी था एंड लविंग और प्यार करने वाला था फॉर ऑल जो भी अफ्रीका में बसने वाले लोग थे चाहे वो वाइट्स थे चाहे ब्लैक्स थे या कोई और थे ही सेज़ मैन इज गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी hidden but never extinguished. Mandala. ये चीज़ भी मानता है कि जो इंसान के अंदर अच्छाई है वो एक चराग की तरह है इसको आप कुछ देर के लिए छुपा सकते हैं लेकिन इसको आप जो बुझा नहीं सकते यू कैन नॉट एक्सटिंग इट ही सेज़ मैन इज गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज़ ए प्रोफाइल ऑफ़ करेज विच इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड फ्राम इज सेंगज़ दैट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कनक्योर इज द फेयर और उसकी ज़िंदगी में अगर हम देखेंगे तो जो एक प्रोफाइल है उसका वो हिम्मत से भरा हुआ है जो इसकी इस सेइंग में भी हैं इसकी इस जो कहावत में भी हैं कि जो एक बहादुर आदमी होता है वो ऐसा नहीं है, होता कि वो डर नहीं डरता नहीं है बल्कि वो अपने जो इस खौफ को काबू कर लेता है इन साउथ अफ्रीका मैन एवर ही ट्राई टू फुलफिलगेशन इज ड्यूटीज एज ए सन अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हजबैंड एंड टू डू समथिंग फॉर इज पीपल ही वॉज डू सो अफ्रीका में जब वो मैंडेला बड़ा हो रहा था और वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं ओब्लीगेशन हैं ड्यूटीज हैं एज सन एक औलाद के नाते एक भाई के तौर पे एक फ़ादर हस्बैंड पति के तौर पे एक बाप के तौर पे जब वो ये सब जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ पे जो एक निज़ाम था जो एक सिस्टम था वो इसको प्रिवेंट कर रहा था ये सब करने का वैन ई फाउंड दैट इज़ पीपल वॉन्ट टू बी फ्री फ्राम ब्रूटेलिटी एंड ऑपरेशन एंड वैन द हंगर ऑफ इज़ ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ इज पीपल ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कॉन्ग्रेस टू गैट इज पीपल फ्री फ्राम वाइट्स और जब इसकी अपनी ी आज़ादी जो है वो उसके लोगों की आज़ादी का मसला बन गया और जो इसकी आज़ादी आज़ादी की प्यास हैं या भूख हैं वो अफ़्रीका के पूरे लोगों की आज़ादी की आवाज़ बन गया तो तभी उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और ताकि अपने लोगों को जो वाइट्स हैं वहाँ के सफ़ेद फम लोग हैं उनसे आज़ाद किया जा सके तो सोटियरव्योर्स दिस वाज स्केच ऑफ नेल्सन मैंडला ये मैंडला के बारे में एक खाका था एक थोड़ा बहुत उसका जो प्रोफाइल है उसकी जो पर्सनालिटी है उस पर यहाँ पे एक सिकेज था खाका था तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एम के गांधी का जो स्केच है और इसके बाद जो इसमें लास्ट में कुछ डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो देखेंगे एंड फाइनली विल केम वी विल केम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वेरी लेसन तो इस तरीके से हम इस लेसन को कंक्लूड करेंगे सो so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो समझ आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करें सब्सक्राइब करें बेलाइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू